नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। मैं जावेद अंसारी, मैं मौजूद हूँ रीवा के ट्रांसपोर्ट नगर में। यहाँ पर एक आयुर्वेदिक कॉलेज रीवा ने एक अनूठा प्रयास किया है, यहाँ पर उन लोगों तक मदद पहुँचाने की कोशिश की है जो पिछले 2 सालों से कोरोना की वजह से लगातार पीड़ित थे। घर में रहने को सरकार ने साफ तौर से कहा था, उसकी वजह से यहाँ पर तमाम तरीके की उनकी समस्याएं थी, वो डॉक्टरों तक भी नहीं पहुँच पा रहे थे। आज उस अनूठे प्रयास में यहाँ पर निःशुल्क दवा वितरण किया जा रहा, उनके पूरे शरीर की जांच हो रही, उनको जो भी प्रॉब्लम है उसके हिसाब से उनको दवाइयाँ निःशुल्क दी जा रही। हमारे साथ इन तमाम बातों पर बातचीत करने के लिए आयुर्वेदिक कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर दीपक कुलश्रेष्ठ जी हैं। ये बताइए सर, ये इस तरीके का जो आपने कैंप किया है, इस कैंप से खास तौर से उन गरीबों को क्या फ़ायदा होता है जिनको वाकई में इस चीज़ की ज़रूरत है? आज ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और आपके माध्यम से शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय रीवा ने आज़ादी का अमृत महोत्सव हम लोग इस वर्ष मना रहे हैं। उस कार्यक्रम के तहत शासन के निर्देशानुसार भी हम लोग मोहल्ले मोहल्ले में जाके, गाँव गाँव में जाके आयुर्वेद शिविर लगाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि हम आयुर्वेद चिकित्सा को जन सामान्य तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी प्रयास की कड़ी में ये भी एक हमारा एक प्रयास है आपके सहयोग से कि ट्रांसपोर्ट नगर में जो हमारे मजदूर भाई कार्य करते हैं, जो कि हमारे अस्पताल तक नहीं आ पाते हैं या गरीबी के कारण औषधियाँ नहीं खरीद पाते हैं, तो हमारा ये प्रयास है कि हमारे माध्यम से, आपके माध्यम से, हम उन गरीब मजदूरों को औषधियाँ प्रदान करने का कार्य करें, जिससे कि उनका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे और अधिक से अधिक वो हमारे देश सेवा में भागीदारी बन सके। ये थे हमारे साथ डॉक्टर दीपक कुलश्रेष्ठ, जिनका साफ तौर से कहना था हमारा प्रयास उन तक पहुंचने का है जिनको वाकई आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। किसी न किसी वजह से वो दवा नहीं खरीद पा रहे, हमारे यहाँ तक नहीं पहुंच पा रहे, तो हमारा प्रयास था हम ही उनके दरवाजे तक पहुँच जाते हैं और उनकी जो भी बीमारी है उसकी जाँच करके उनको निःशुल्क दवा का वितरण भी करेंगे। मैं मौजूद हूँ रीवा के ट्रांसपोर्ट नगर में। यहाँ पर एक आज अनूठा काम हो रहा, हालांकि ये सारे लोग ये काम तो करते ही रहे, मैं उस काम के बारे में भी आपको जरूर बताऊंगा करते, लेकिन ट्रांसपोर्ट नगर में पहली बार हो रहा है। यहाँ जो ट्रांसपोर्ट नगर में लोग रहते हैं उनको निःशुल्क दवाई का वितरण किया जा रहा है, उनका फुल बॉडी चेकअप किया जा रहा है, उनकी बीमारियों को समझा जा रहा है। यहाँ पर हमारे साथ डॉक्टरों की टीम मौजूद है जो इस काम को अच्छे से देखभाल कर रही है। ये बताइए, जिस तरीके से आपने आज कैंप लगाया है, इस कैंप में किस तरीके की जांचें आप कर रहे हैं, किस तरीके के मरीज आपको मिल रहे हैं देखने के लिए? यहाँ पर सभी व्याधियों के रोगी हैं, लगभग 12 व्याधि हो गए, अपना चर्म रोग हो गए उनके रोगी हैं, शुगर की जाँच हो रही है, फुल बॉडी चेकअप भी कुछ मशीन से किया जा रहा है, इसके अलावा अपने औषधालय के माध्यम से दवा बता रही है। औषधालय के माध्यम से दवा वितरण भी की जा रही है आयुर्वेदिक कॉलेज में, ये एक नई पहल की है जो काबिले तारीफ है। डॉक्टर साहब, यहाँ एक बड़ा सवाल ये होता है, जिस तरीके के आप रीवा की बात की जाए तो किस तरीके के पेशेंट आपको ज़्यादा मिलते हैं और किस तरीके से आप उनका उपचार करते हैं? पेशेंटों को देखते हैं ओपीडी में, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा पेशेंट हमारे पास में आते हैं बात व्याधि मतलब जैसे लकवा है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, और इसके केसेस में फंगल इन्फेक्शन, एक्जिमा, सोरियासिस, ऐसे पेशेंट हमारे ओपीडी में बहुत मात्रा में आए हैं और उनको हम लोग वहीं से सारी औषधियाँ उपलब्ध कराते हैं। जिस तरीके से आपने कहा कि बहुत तरीके के पेशेंट आते हैं और हम लोग बेहतर तरीके से उपचार करते हैं, तो क्या इस तरीके के पेशेंट तमाम पूरे, अगर पूरे प्रदेश की बात की जाए तो मिलते हैं, या खास तौर से रीवा में किस तरीके के पेशेंट ज़्यादा हैं? कुछ रीवा में जैसे एक फंगल इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन जिसको नॉर्मल भाषा में दाद कहा जाता है, यहाँ पर बहुत रीवा में, तो उसका क्या 100% इलाज है? 100% इलाज बिल्कुल हो जाता है अगर पेशेंट डॉक्टर की एडवाइस मानता है। डॉक्टर की अगर एडवाइस मानी जाए तो निश्चित रूप से हम उनको पूरी तरीके से ठीक कर देते हैं, बस हमारा जो कहना है हमारा पेशेंट वो करे। डॉक्टर साहब, एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये भी है कि आप लोग लगातार कैंप करते हैं, लोगों का उपचार करते हैं, आप तरह तरीके के उनको ये भी बताते हैं कि आपको ये लेना है, ये नहीं लेना है, तो आयुर्वेद में इसका कितना महत्व है कि जो आपकी बात अगर एलोपैथी और आयुर्वेद की बात करी जाए तो आयुर्वेद में क्या लेना है क्या नहीं लेना, इसका ज़्यादा महत्व है क्या? जी, आयुर्वेद में किसी एक व्याधि के लिए
व्यक्ति के अनुसार ही अलग अलग एक ही मतलब जो रोग होता है उसके हम अलग अलग तरह से उसको उसकी प्रकृति के अनुसार डोज के अनुसार एक ही मतलब जिस नाम से जाना जाता है रोग, जैसे सामान्य भाषा में हम बोले जैसे गठिया बात ही आता है या हम लोग आम बात बोलते हैं या वात रक्त है, ऐसी जो व्याधियाँ हैं वह एक ही व्यक्ति को है, एक ही व्याधि है तो उसका अलग ट्रीटमेंट होगा, दूसरा है तो दूसरा होगा, इस प्रकार से दोषों और उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। इसके साथ साथ जो हम चिकित्सा करते हैं उस चिकित्सा में हम विशेष रूप से उसके कुछ ऐसी व्याधियाँ होती हैं जिसमें कुछ चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए या कि कुछ ऐसी औषधियाँ होती हैं कि कुछ चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए या जो औषधि देते हैं वो किसके साथ करना चाहिए उसका गुणधर्म बदल जाता है। तो हम इस प्रकार से उसको इस प्रकार से अगर हम चिकित्सा बताते हैं वो उस तरह से लेता है तो वो एक जो सामान्य प्रचलन है कि आयुर्वेदिक दवाएं हम स्वयं लेकर के और ठीक हो जाएंगे, तो वही दवाई जब हम लोग बताते हैं उसका तरीका बदल देते हैं तो वही व्यक्ति उससे ठीक हो जाता है, इसका विशेष महत्व रहता है चिकित्सा। आयुर्वेद की सबसे बड़ी बात यही है आपको जो बताया जाए, अगर आपने ये सोचा कि इसका गुण ये है हम खा लेंगे तो ठीक हो जाएंगे, ऐसा कतई संभव नहीं। संभव ये है कि हम जो ले रहे हैं वो डॉक्टर की सलाह से ले रहे हैं, डॉक्टर ने जिस चीज़ को खाने से मना किया अगर हमने वो कर लिया तो दवा 100% अपना काम करती है और डॉक्टर के कहे अनुसार अगर हम चले तो हम पूरी तरीके से ठीक हो जाते हैं। मैम एक बड़ा सवाल यहाँ पर है, लगातार आप लोग कैंप करते हैं, कैंप में आपको बहुत तरीके से लोग हैं, कैंप के बाद आप उन पेशेंटों को जिन पेशेंटों को आपने यहाँ पर कैंप में देखते हैं कहीं भी कैंप लगाया हो तो बाद के दिनों में उनके लिए क्या सलाह आप देते हैं? जैसे हमने यहीं पर कैंप में जितने भी पेशेंट देखे तो हम लोग ये बताते हैं कि आप 6-7 दिन की आप दवाइयाँ दीजिए और अगर 6-7 दिन में आपको अच्छा रिस्पांस नहीं मिलता है तो आप यहाँ पर जो हमारा गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज है निकनिया में वहाँ पर आकर के हमको कंसल्ट करिए। 7 दिन डॉक्टर्स वहाँ पर अवेलेबल रहते हैं 9 बजे से लेकर के 5 बजे तक। आप आकर के आप जो भी समस्याएँ हैं नई या तो फिर जितना आपको आराम मिला आप हमको बताइए और पुनः परामर्श लीजिए। आज जैसे आपने कैंप लगाया यहाँ ट्रांसपोर्ट नगर में काफ़ी मरीज आप लोगों ने देखे हैं, तो इन मरीजों में किस तरीके के आपने क्या आपने इनको राय दी, क्या सलाह दी और क्या आपने कहा? अच्छा जी भैया, ये बताना चाहूँगी कि जितने भी पेशेंट अभी हम लोग ज़्यादातर देख रहे हैं हॉस्पिटल्स में भी यहाँ पर भी वहाँ पर अभी स्ट्रेस इंड्यूस्ड सारी चीज़ें ज़्यादा मिल रही हैं, जैसे पहले सोरियासिस ही नहीं मिलता था अभी देखिए हमारे रीवा में बहुत ज़्यादा सोरियासिस के पेशेंट हैं, ठीक है, और अभी डिप्रेशन के बहुत सारे पेशेंट मिलते हैं हम लोगों को, ठीक है, तो डायबिटीज़ और इसका रक्तचाप की तो कोई बात नहीं है क्योंकि हर दूसरा व्यक्ति इससे रिलेटेड है। तो बस इतना बोलना चाहूँगी कि चाहे वो स्ट्रेस बेरोजगारी का हो या तो फिर जिस तरीके का हो अभी इस तरीके की बीमारियाँ जो स्ट्रेस से रिलेटेड हैं वो ज़्यादा मिल रही हैं। तनाव भी एक बीमारी है, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, ये है आपका मूल मत। जो हमने बताया है आप उन दवाइयों का सेवन करिए, आप उसमें अपनी तरफ से कुछ ना जोड़िए, जैसा एलोपैथिक में किसी भी तरीके के बचाव के तरीके नहीं बताए, डॉक्टर कहता है आप कोई दवा खाना साथ में आप सब कुछ खाइए, लेकिन आयुर्वेद में उल्टा यहाँ पर साफ तौर से बताया जाता है आपको ये बीमारी है आपको ये खाना है आपको ये नहीं खाना। अगर आपने हमारी बात मानी तो मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि आप पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे। हमारे साथ जो डॉक्टरों की टीम थी उनमें का सबका निष्कर्ष यही था कि मैं आपको पूरी तरीके से ठीक करूंगा, बस आप हमारी बात मानिए।